हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एवन ज्ञान में आपका वेलकम है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैलकुलेटर का फ्रिज, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को कर लेना सबसे पहले सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देख सकते हो इसका लुक काफ़ी ग्लॉसी है और काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग दी हुई है इसमें और काफ़ी ग्लॉसी है। और ये जो हैंडल लगा हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। तो इसकी जो मिलती है वारंटी वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, कितने स्टार का है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसका जो कंप्रेसर है, मेन इसका जो मेन पार्ट है वो कंप्रेसर है, वो भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसकी जो कंप्रेसर है वो किस जगह लगा हुआ है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो फ्रीजर है वो फ्रीजर हम आपको ओपन करके दिखाने वाले हैं, कितना बड़ा फ्रीजर है। और साथ ही आपको टेप की मदद से इसे चेक करा के वो दिखाने वाले हैं कितनी इसकी साइज़ है और कितनी इसकी चौड़ाई है। तो ये देखिए, हमने किया है डोर ओपन और ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, फ्रीजर का भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये हमने खोल लिया इसे, थोड़ा जूम करके आपको नज़दीक लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो फ्रीजर काफ़ी अच्छा है और चौड़ाई भी ज़्यादा है इसकी, फ्रीजर की। ये इसमें दिया हुआ है एक जो आप छोटी मोटी चीज़ इसमें सेट कर सकते हो, साइज़ के हिसाब से आप इसे ऊपर सेट करके इसमें आप रख सकते हो। और हम आपको टेप की मदद से इसे चेक करके दिखाने वाले हैं कितनी इसकी ऊंचाई है और कितनी इसकी चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स, इसकी है 8 इंच ऊंचाई है और चौड़ाई आपको दिखाने वाले हैं कितनी चौड़ाई है इसकी। तो ये देखिए, चौड़ाई हम आपको दिखाने वाले हैं। ये है इसकी चौड़ाई जो कि 16 इंच की चौड़ाई है, ये देख सकते हो आप 16 इंच की इसकी चौड़ाई है। और डीप भी काफ़ी ज़्यादा है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हो, फ्रीजर काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। और यहाँ दी हुई वार्निंग, इन चीज़ों का आप उपयोग ना करें नहीं तो आपका फ्रिज डैमेज हो सकता है। कुछ लोग बर्फ़ जम जाने के बाद में इन चीज़ों का उपयोग करते हैं और फ्रिज को ख़राब कर बैठते हैं, तो इन चीज़ का उपयोग ना करें। और बर्फ़ जमने के बाद में आप डिफ्यूज़ ज़रूर करें ताकि आप वापस उसी कंडीशन में ये आ जाए। और यहाँ दिया हुआ है टफन, यहाँ आप सामान के हिसाब से इसे एडजस्ट करके ऊपर नीचे लगा सकते हो ताकि आप सामान इसमें सेट कर सकते हो। और यहाँ दिया हुआ है वेजिटेरियन बॉक्स, आप इसमें सब्जी रख सकते हो। और जो आपको खास बात है वो दिखाने वाले हैं, इसका जो एक ट्रे है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए बहुत सारे अंडे आप इसमें रख सकते हो। और लुक काफ़ी अच्छा है इसका। जो पीछे का फ्रंट है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, किस तरीके का इसका पीछे का फ्रंट है और किस तरीके का इसका कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है। तो इसे कर लेते हैं वहाँ बाबा बंद करने के बाद में हम इसकी बताते हैं वारंटी। तो वारंटी कितनी मिलती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसकी वारंटी मिलती है 12 साल की, इसकी कंप्रेसर की वारंटी मिलती है कंपनी द्वारा और बगैर स्टेबलाइजर भी ये वर्क करता है। और स्टार का है और मॉडल नंबर हम आपको बताने वाले हैं। और 205 यूनिट ये साल के खर्च करता है, ये मॉडल नंबर भी है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दीजिएगा। और काफ़ी अच्छा फ्रीजर है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी लॉन्ग लाइफ से मार्केट में है। ये अलग अलग मॉडल निकालता रहता है, वक्त के हिसाब से ये चेंजिंग करता रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरी दी हुई जानकारी आपको सही लगे तो लास्ट में मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो हम इसका जो पीछे का जो फ्रंट है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, बैक फ्रंट। यहाँ दिया हुआ है लॉक का सिस्टम जो काफ़ी हट के है, और फ्रिज में ऊपर भी आता था बीच में भी आता था, इसका नीचे दिया हुआ है, काफ़ी ग्लॉसी है। ये देखिए, अगर कैपेसिटर में मिस्टेक हो तो आप जारी हो। और यह है इसका कंप्रेसर, यह इसका कंप्रेसर, ये देख सकते हो आप, ये इसका कंप्रेसर है और यहाँ लगा हुआ है कैपिलरी,
और यह है इसकी मेन लीड। कंप्रेसर काफ़ी बड़ा है इसमें। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन सी देश डाली जाती है, कितने लीटर का है, किस तरह से आपको चलाना है और कितने वोल्टेज ये काम करेगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी दी